शामय सुगंधि पुष्ट वर्धन गुरु भारत में वंदना मधुर मुक्ति पिता स्वाहा ओम त्र्यंबक जामय सुगंधि पुष्ट वर्धन गुरु भारत में वंदना मधुर मुक्ति अमृता स्वाहा ओम त्र्यंबक जामय सुगंधि पुष्ट वर्धन गुरु भारत में वंदना मधुर मुक्ति अमृता स्वाहा ओम भूरग्नय प्राणाय स्वाहा क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नीलेश गुप्ता है, मैं पतंजलि में वैद्य हूँ। आज जो हवन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? पूरे विश्व में इस समय कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है, जिससे पूरा विश्व बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है, कल से हमारे भारत में भी उसने दस्तक दे दी है। हमारे राष्ट्र जागरण युवा मंच के महानगर अध्यक्ष सुदेश गुप्ता जी के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इसका कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, क्योंकि पूरा विश्व इससे परेशान है और इसमें कुछ भी हल नहीं निकल रहा है अभी तक। हमारे आयुर्वेद में इस तरीके की महामारियों के लिए यज्ञ चिकित्सा का विधान है। जो बीमारियाँ पूरी महामारी की तरह पूरे पर्यावरण को दूषित कर देती हैं और पर्यावरण से ही मनुष्यों में आ जाती हैं, उसके लिए मनुष्यों की चिकित्सा करने से खाली काम चलता नहीं है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में यज्ञ चिकित्सा का विधान है, जिसमें हवन सामग्रियों में कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों को मिला के, जैसे छोटी पीपल है, भीमसेनी कपूर है, सफ़ेद इलायची है, बासा है, इस तरीके की कुछ विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में हवन करने से वातावरण शुद्ध भी हो जाता है। जो वातावरण में इस तरीके के वायरस, इस तरीके के कीटाणु पनपने लगते हैं, वो इससे मरने लगते हैं। तो एक संदेश हमने पूरे देश को देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है, जिससे ये पूरे देश में इस तरीके का संदेश जाए कि इस तरीके के हवन पूरे देश में जगह जगह सामूहिक रूप से कराए जाएँ, जिससे बहुत शीघ्र हमारा देश कोरोना वायरस से मुक्त हो सकता है। अरे भाई जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित जी, आज हवन किया गया, इससे क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र जागरण युवा संगठन द्वारा अपने साथियों का जन्मदिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अनाथ आश्रम में यज्ञ के द्वारा मनाएं, और वर्तमान परिस्थितियों में जो कोरोना वायरस की भयावह स्थिति सामने आई है, उसको ध्यान में रखते हुए आज सभी साथियों ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लेकर, औषधियां लेकर यज्ञ किया, ताकि इस वायरस को हम भारत में पनपने ना दें। सारे भारतवासी अपने अपने घरों में, अपने अपने चौराहों पर यज्ञ करें, ताकि इस वायरस का खात्मा हो सके। आज हमारा एक उद्देश्य और भी था, आज हमारे युवा सिंधी समाज के नेता लेखराज मोटवानी जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित सभासद बनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में भी ये इस यज्ञ का विधान रखा गया है। और हमारे भाई रोहित जिंदल जी का जन्मदिन था, हमने तीनों का एक साथ किए हैं आज, इसके लिए हमारे सभी साथी जिन्होंने समय दिया, सब बधाई के पात्र हैं। राष्ट्र जागरण युवा संगठन सदैव समाज हित में ऐसे कार्य करता रहेगा, ऐसे हम लोग संकल्पबद्ध हैं। ऊपर करो बैनर ऊपर। हवन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? राष्ट्र जागरण युवा मंच युवा संगठन की संगठन के तत्वाधान में आज मुझे निमंत्रण मिला था, आमंत्रित किया था, आया था कोरोना वायरस में, उसके उपलक्ष्य में हवन कराया था कि भारत से जल्दी जल्दी कोरोना वायरस पलायन करके चला जाए। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।